हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है आप लोगों के? गाइस, आपको पता है जैसे कि कोरोना वायरस के थ्रेट की वजह से हमारी कंपनी अन अकेडमी सिर्फ आप लोगों के लिए 20,000 फ्री लाइव क्लासेस लाई है। तो प्लीज़ 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 जाएं और फॉलो करें। और यार प्लीज़, हमारा जो चैनल है जिसको आप इतना प्यार देते हैं, उसको थोड़ा और प्यार दीजिए और हमारे चैनल को जाके प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलें, हाय हेलो। तो यार देख लेते हैं, थोड़े कम बच्चे भी हैं, तो बोलिए अपने फ्रेंड्स को आएं और क्लास अटेंड करें। आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम एक दो दिन में जो क्लाइमेटोलॉजी है वो रैप अप करने वाले हैं गाइस। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें क्लास में, और लेते हैं थोड़ा 5 मिनट लेते हैं, 2 मिनट लेते हैं, बल्कि 5 तो ज़्यादा ही हो जाएंगे। अपने फ्रेंड्स को बोलिए आए और क्लास अटेंड करें। पूजा पांडे, एतम श्रीराम, आदित्य सियोते एंड मनिंदर कौर, अमित कुमार यादव, निशा शर्मा, अदिति राय, अमन सिंह, पूजा ठाकुर, हाय हाय, हाउ आर यू? तो बोलें अपने फ्रेंड्स को आएं और क्लास अटेंड करें। 1 सेकंड लीजिए, आप भी शेयर किए करें क्लास को, एंड जो ग्रुप्स हैं उस पर डालिए जिससे कि और बच्चे हमारे साथ जुड़ें। और यार प्लीज़ 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 कमेंट किया करो, अगर वीडियो देखते हो, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक कमेंट करके जाया करो यार। इतना सा कष्ट उठा लो यार, इससे मोटिवेशन मिलती है मेरे को और आपके लिए। मैं और अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट करता हूँ और अच्छी तरह से आपको मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ आप लोगों के लिए। तो यार प्लीज़ गाइज प्लीज़, ठीक है? चलें तो अब जाएं और फ्रेंड्स को बोलें फटाफट आएं। चलो चलो, बढ़ रहा है नंबर, इट्स इंक्रीजिंग, गुड, अच्छी बात है। चलें, हाय। तो भाई पहले तो ये बताओ, इतने आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो हाय अभिनव शर्मा, हाय विशेष गुप्ता, हाय अनीश प्रजापति, शिवम सिंह, अपूर्वा मलिक, पूजा यादव, पूजा नेहरा। तो यार अगर कल की क्लास में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। अभी हम 2 मिनट लेते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ एनी डाउट इफ़ यू हैव इन लास्ट क्लास यू कैन आस्क। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाय गाइस। कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क लास्ट क्लास में या फिर कोई भी प्रीवियस क्लास में। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, प्लीज़ आस्क। अमित कुमार यादव जी बोल रहे हैं सब क्लियर है, ऑल क्लियर है, चलिए बहुत ही बढ़िया। राजनंदी कुमारी, थैंक यू। विशेष गुप्ता, बहुत सारे टॉपिक में प्रॉब्लम है विशेष गुप्ता को, तो विशेष गुप्ता आपको एक स्पेसिफिक जो डाउट है, इतने सारे टॉपिक्स हैं तो एक पूछ लीजिए, एटलीस्ट एक तो कम होगा, है ना? बहुत सारे थोड़े कम हो जाएंगे। संजय महतो, ओनली स्टडी, दीपक कुमार, सिपुन, चलें चलें फटाफट बुलाएं अपने फ्रेंड्स को। चलिए तो गाइस, बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग एनी डाउट्स। तो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर सॉरी तो गाइज लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई 1 सेकेंड यार, थोड़ा सा जो क्रोमा था वो थोड़ा सा इशू कर रहा है, टेक्निकल इशू है, कोई इशू नहीं, 2 मिनट दीजिए आप। चलिए हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेट्स गो। तो यार प्लीज, जो भी कोई भी अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन अपना रिन्यू कर रहा है, और यार आ रहे हैं एग्जाम्स, प्रीलिम्स होने वाला है, तो यार कृपा करो और त्यागी 10 कोड यूज करो, ठीक है? और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाओ किस पे? अन अकेडमी प्लस पे। चलो भाई लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड क्लाइमेट्स। तो यार एक दूसरी चीज ये है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है ग्रुप ये वाला, ठीक है? ये ग्रुप जाएं, ज्वाइन करें, 5 MCQ डेली के मिल रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे जाके सॉल्व करें, बोथ हिंदी एंड बोथ इंग्लिश, यहीं पे आपको सॉल्व करने हैं और यहीं आपको इनका रेजोल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइज प्लीज़ 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 जाएं और इसको ज्वाइन करें। ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं और मेरे से क्या पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट।
और फेसबुक पे मेरे को सर्च करें रोहन यूपीएससी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, मतलब जलवायु, क्या जलवायु का वर्गीकरण, समझे? आज दो भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो देख लेते हैं। चलिए तो गाइस लेट्स स्टार्ट इट। तो देखते हैं क्लाइमेट क्लासिफिकेशन मतलब जलवायु का वर्गीकरण कैसे होता है भाई, क्या होता है, लेट्स सी। तो भाई तीन तरह के वर्गीकरण होते हैं। पहला है जेनेटिक क्लासिफिकेशन, दूसरा है इंपेरिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा है अप्लाइड क्लासिफिकेशन। हिंदी वालों के लिए मैंने लिखा हुआ है अनुवांशिक वर्गीकरण, ठीक है, अनुभवजन्य वर्गीकरण और लघु वर्गीकरण। तो भाई इसमें से सिर्फ एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में यही दे रखी है। और एक क्लासिफिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं गाइस क्या, कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। आपने ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सुना होगा इन महाशय का नाम। ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट रहे हैं, कहाँ के हैं, और ये जर्मनी के, कहाँ के, जर्मनी। और जर्मनी का और कौन है, जर्मनी के और कौन है, हिटलर भी जर्मनी के हैं और एल्बर्ट आइंस्टीन भी, कहाँ के हैं, आइंस्टाइन, जर्मनी के। तो भाई जर्मनी से बहुत बढ़िया बढ़िया लोग निकले हैं, तो उनमें से एक है कोपेन, ठीक है। इनका पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन, व्लादिमीर बोलते हैं, डब्ल्यू नहीं लगाते, आगे आपको चलेगा पता। तो भाई जेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होती है, ठीक है, अनुवांशिक वर्गीकरण, इसमें सिर्फ आप एक एलिमेंट लेते हो, जैसे कि मान लो सिर्फ टेम्परेचर के बेसिस पे आपने क्लासिफाई कर दिया सब चीज़ को, है ना। मतलब मान लो ये अर्थ है, ठीक है, सॉरी ये अर्थ है, और आपको पता है टेम्परेचर इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ता है, क्या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ तापमान बढ़ता है, तो उस हिसाब से आपने इसको क्लासिफाई कर दिया पूरी पृथ्वी को, क्या कर दिया, पूरी पृथ्वी का वर्गीकरण कर दिया। किसके हिसाब से, सिर्फ तापमान के हिसाब से। तो उसको बोलेंगे जेनेटिक क्लासिफिकेशन, आई बात समझ, अनुवांशिक वर्गीकरण। वहीं एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन क्या होगी, अनुभवजन्य वर्गीकरण, भाई जहाँ पे आप एटलीस्ट दो एलिमेंट लोगे, जैसे हम लेंगे यहाँ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, मतलब वर्षा, वर्षण और तापमान, ये दोनों लेके जो हम क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकरण करेंगे दुनिया के, पूरे पृथ्वी के, किसका, जलवायु को, जलवायु जो है उनका। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं ये। और अप्लाइड क्लासिफिकेशन क्या होती है दोस्तों, भाई आप एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं लेते, क्या करते हो, रिलेटिव टर्म में लेते हो, मतलब दोनों को रिलेट करते हो। जैसे टेम्परेचर के साथ साथ प्रेसिपिटेशन इंक्रीज कर रहा है, या टेम्परेचर के साथ साथ प्रेसिपिटेशन डिक्रीज कर रहा है। आगे बात समझ गाइस, यार अपने फ्रेंड्स को बोलो, बहुत कम बच्चे हैं, प्लीज 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 बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, और आज की क्लास कर लो, आज की क्लास से क्वेश्चन आने के बहुत 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 चांसेस हैं। और आज मैं आपके लिए 6 MCQ लाया हूँ क्लास के बाद, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, वो भी प्लीज सॉल्व करके जाना, मेरे को याद दिला देना अगर मैं क्लास के फ्लो में भूल जाऊं कि सर प्लीज MCQ सॉल्व करवा दो लास्ट में, तो भाई मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं इस बात में, ठीक है गाइस। चलें आगे, अब हम बात करने वाले हैं कोपन क्लासिफिकेशन की, ये भाई एनसीईआरटी में दे रखी है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो भाई हिंदी वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्लाइड बनाई है मैंने, देखिए ये रही, क्या होता है वार्षिक तापमान की, और किसकी, पीपीटी, मतलब पीपीटी क्या है भाई, ये पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा, ठीक है, उसका मासिक जो डेटा है, जो एनुअल डेटा है उसको लेती है ये। तो भाई मीन एनुअल एंड मीन मंथली डेटा ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन को कंसिडर करती है। मान लो 12 महीने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हर महीने क्या आपका तापमान रहा है ऑन एन एवरेज, और हर महीने क्या आपकी वर्षा रही है प्रेसिपिटेशन, उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन वर्ल्ड के क्लाइमेट्स को क्लासिफाई करती है। मतलब ये जो वर्गीकरण है, ये जितने भी विश्व में जितने भी जलवायु हैं उस हिसाब से उनका वर्गीकरण करती है। भैया सुन लो मेरी बात, वेजिटेशन ऑफ एरिया इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ टोटल क्लाइमेटिक पिक्चर। तो भाई वेजिटेशन मतलब क्या, वेजिटेशन बताएं भाई साहब हिंदी में क्या क्या होता है वेजिटेशन, वनस्पति। तो भाई आपको पता होगा क्या क्या, इक्वेटर पे मतलब भूमध्य रेखा पे कैसी वनस्पति है, इक्वेटर पे कैसी वेजिटेशन है, ट्रॉपिकल है भाई, एवरग्रीन, कैसी है एवरग्रीन, वहाँ के पेड़ कैसे होते हैं, हार्डवुड के होते हैं भाई, हार्डवुड। और भाई जब हार्डवुड के पेड़ होंगे तो क्या होगा गाइस, एवरग्रीन, आगे बात समझ। तो भाई इक्वेटर के आसपास क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, तो इक्वेटोरियल का क्लाइमेट हो गया जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। फिर उसके ऊपर आप जाओगे तो कैसे फॉरेस्ट होते हैं, डेसीडियस फॉरेस्ट, क्या होते हैं, डेसीडियस फॉरेस्ट,
जो क्या करते हैं, डेसीडियस मतलब क्या होता है भैया ये बता दो पहले। डेसीडियस मतलब जो सीजन में एक बार, मतलब ऋतु में एक बार अपने पत्ते झाड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, एक बार पत्ते झाड़ देते हैं। और फिर स्प्रिंग टाइम में, मतलब कौन सी ऋतु होती है भाई स्प्रिंग बता दो मुझे, उस समय पे वापस अपने जो पत्ते होते हैं उसके नए आते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है साइंटिस्ट का नाम क्या, रामधीर कोपेन। चलो वेरी गुड, सब समझ आ रहा है भाई। पलक सिन्हा सब इंग्लिश में पढ़ाऊँ आपको, यार हिंदी इंग्लिश मत करो, अब इंग्लिश हिंदी पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, तो आप इंग्लिश बोल रहे हो। बैलेंस बना के चलेंगे दोनों का, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, और तीसरी लास्ट चीज़ है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड क्लाइमेट। अभी टेंशन ना लो, आगे मैप्स दिखेंगे आपको। ठीक है, आगे आपको सारी क्लासिफिकेशन दिखेंगी बढ़िया, एकदम बढ़िया प्रेजेंटेशन में, और एनिमेशंस भी दिख जाएंगी, तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बस मैंने आपके पढ़ने के लिए डाली हुई है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, है ना। ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार, एक बहुत ही बढ़िया, बस है ना, ले ले फटाफट। यस, बसंत ऋतु वही बोल रहा था भैया, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट इस चीज का। ठीक है, ये ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, अब लो भाई हिंदी वाले स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट के बिना तो काम चलेगा नहीं, मुझे पता है आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बोलते रहे मेरे को कि सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करो, तो भाई प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो फटाफट इसका भी ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, खचैक ले लिया है जी। चलो अब देखते हैं उसने क्या किया। अब देखें, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। स्कूल में क्या होता था, क्लास थर्ड थी तो सेक्शन होते थे ए बी सी डी ई एफ जी, है ना भाई, ऐसे सेक्शन बना दिए जाते थे। ए में बहुत अच्छे लोग रहते थे, बी में थोड़े और अच्छे कम लोग रहते थे, सी में थोड़े से जैसे मेरे जैसे लोग रहते थे। ठीक है, डी में और गए गुजरे लोग रहते थे, ई में बिल्कुल ही गए गुजरे लोग रहते थे, एफ में रिपीटर्स रहते थे, और जी होता ही नहीं था। आई बात समझ, ऐसे ही 12वीं क्लास के भी बहुत सारे सेक्शन हुआ करते थे। ठीक है, साइंस का अलग, उसके दो सेक्शन। ठीक है, कॉमर्स का अलग, आर्ट्स का अलग। आगे बात समझ, तो ऐसे ही क्या है, कोपन ने क्या किया, सबको नाम दे दिया जितने भी क्लाइमेट हैं, क्या ए बी सी डी ई एफ जी। आई बात समझ, क्या किया, नाम दे दिया, ये देखो क्लाइमेटिक सिंबल दे दिए उसने, क्या दे दिए सिंबल, ये देखो ए बी सी डी ई और एच। इतनी बात समझ में आई, ठीक है गाइस। चलें अब देखो क्लाइमेट, ए मतलब क्या बोला उसने, ए में ट्रॉपिकल रखे सारे क्लाइमेट, कौन से क्लाइमेट, कौन सी जगह, उष्णकटिबंधीय जगह। और कैसे रखी उसने वहां पे, उसने बोला भाई जिस जगह का तापमान पूरे साल 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है वो सेक्शन ए में आएगा क्लास के। कौन से सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए में। ठीक है भाई, हमें तो सौभाग्य कभी मिला नहीं सेक्शन ए का, तो फिर ठीक है ट्रॉपिकल क्लाइमेट को मिल रहा है। ठीक है गाइस, और वहां पे फौना कैसी होगी, मतलब वहां की वेजिटेशन कैसी होगी, वो होगी मेगाथर्म्स, उसने इसको भी नाम दिया। ठीक है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैंडोले, बड़ा ही बढ़िया नाम था। ठीक है, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन बनाई थी। ठीक है, और जो इक्वेटर पे, मतलब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो पेड़ थे उनका क्या नाम पड़ा भाई, मेगाथर्म्स। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, जो सेक्शन बी क्लास थी उसमें उसने बोला भाई ड्राई क्लाइमेट, कौन सा क्लाइमेट, सूक्ष्म जलवायु, जहां पे क्या इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से ज्यादा है पूरे साल, मतलब पानी भाप ज्यादा बनता है लेकिन गिरता कम है। क्या भाप ज्यादा बनता है और गिरता कम है, ऐसी जगह जो भी है पूरी दुनिया में उसको डाल दिया भाई सेक्शन बी के अंदर। और वहां के पेड़ों का नाम क्या पड़ा जो कैंडोले ने दिया था, जीरो फाइट, जीरो मतलब भाई ऐसे याद रखो, जीरो वाटर, कम पानी। आ गई बात समझ। चलें भाई फिर सेक्शन सी की बात करते हैं भाई, जिसमें हम रहा करते थे हमारे पुराने दिन, सी सेक्शन सी। ठीक है, अब देखें सब ट्रॉपिकल उप उप, उप उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है भाई, सब ट्रॉपिकल जो एरियाज थे उसको कहाँ डाल दिया, सी में। यहाँ पे क्या, जो भाई सबसे ठंडे महीने का, पूरे साल का नहीं, ध्यान दें, सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 से लेके 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, उसको डाल दिया उसने सेक्शन सी में। और इस जगह के पेड़ों का नाम क्या दिया भाई, वनस्पतियों का नाम क्या था,
मीजोथर्म। देखो भाई, मेगाथर्म, मीजोथर्म और आएगा अब माइक्रोथर्म। और सेक्शन डी देखें, सेक्शन डी गए गुजरे लोग हमारे जैसे। क्या भाई सेक्शन डी में किसको डाला? टेम्परेट, शीतोष्ण वाले जगह को डाला, जहां पे कोल्डेस्ट मंथ मतलब सबसे शीत महीने का टेम्परेचर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से कम है। आ गई बात समझ गाइस आपको? ये है डी सेक्शन, यहां को बोला माइक्रोथर्म। ओके गाइस, थोड़ा स्लो पढ़ाऊं क्या बच्चे? बोलो स्पीड ठीक है या स्लो करूं? चलें आगे चलते हैं। चलो भाई चलो, चलो भाई आगे। ई, अब भाई जो पोल्स वाले थे कौन? पोलर क्लाइमेट मतलब ध्रुवीय, ध्रुवीय क्षेत्रों को उन्होंने कौन से सेक्शन में डाल दिया? ई को, जहां सारे गए गुजरे लोग रहते हैं जो फेल होते हैं और जो पास नहीं होके देते हैं, वो कौन से सेक्शन में पड़े रहते हैं स्कूल के? सेक्शन ई में। आई बात समझ गाइस? तो वहां का क्या था भाई? पूरे साल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। पूरे साल में कभी भी 10 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगहों को डाल दिया उसने ई में। क्या ई में? और वहां के जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति, उनका नाम क्या पड़ा? हेकिस्टोथर्म। क्या? हेकिस्टोथर्म। तो भाई ये है। और एच मतलब भाई एक अलग सेक्शन बना देते हैं किसका? स्कूल में बन जाता है स्पेशल बच्चों का, जो बीच में आते हैं या बाद में आते हैं या जो प्रिंसिपल के भाई भतीजे होते हैं, ठीक है, स्पेशल सेक्शन। और वो है भाई माउंटेन। स्पेशल सेक्शन है माउंटेन मतलब पहाड़ी क्षेत्र, जहां पे ठंड पड़ती है, शीत पड़ती है, किसके कारण? एलिवेशन के कारण, ऊंचाई के कारण, जहां पे ठंड रहती है। ठीक है गाइस, ये बात समझ आनी चाहिए सबको। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं ये सब क्लियर कर देता हूं और आप एक स्क्रीनशॉट फटाफट मार लो फट। भाई MH को B रिपीट करवाना है तो बताता हूं, सेक्शन B आपके स्कूल में कैसे बच्चे रहेंगे वहां? जो सूखे हैं, क्या? जो एकदम सूखे हैं, सूक्ष्म जलवायु के लोग रहेंगे, जहां पे इवेपोरेशन मतलब भाई क्या, वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा है किससे? प्रेसिपिटेशन से। मतलब भाई आप खर्चा तो बहुत ज्यादा कर रहे हो पर इनकमिंग तो बिल्कुल नहीं है आपकी, जो इनकम है। आई बात समझ? खर्चा ज्यादा इनकम कम, तो क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा घर में, आपकी जिंदगी में सूखा पड़ जाएगा जब आपके हाथ में क्या नहीं होगा। आ गई बात समझ आपको? ऐसी जगह को क्या बोला गया? क्या सिंबल दिया हुआ? क्या सिंबल दिया गया? बी क्लाइमेट। और बोला गया 0 फाइट्स वहां की वेजिटेशन को। वेजिटेशन मतलब क्या होता है भाई? वहां के पेड़ पौधे। आई बात समझ आपको? चलें आगे। लास्ट फौना दिख नहीं रहा आप लोगों को तो मैं यहां लिख देता हूं, उसको बोलते हैं हेकिस्टोथर्म। हेकिस्टोथर्म ये देख लें एक बार, ठीक है। चलें आगे, अब देखते हैं उसने। देखो अब क्या होता है, स्कूलों में आपके सेक्शन तो बने होते हैं, ABCDEFG होते हैं भाई सेक्शन, पर अब एक क्लास के अंदर कुछ लोग होते हैं जो टॉप 10 में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? टॉप 10 में। और कुछ लोग होते हैं जो रहते हैं बीच में, एवरेज, ठीक है, और कुछ रहते हैं बॉटम 10 में, हमारे जैसे लोग। आई बात समझ लोगों आपको? आप तो बहुत अच्छे हो, आप सभी टॉप 10 में रहने वाले हो मुझे पता है, पर यार हम तो बॉटम 10 वाले हैं गाइस। तो भाई उसने सेक्शन ए के अंदर कितने सब सेक्शन बन गए? 3। कितने बन गए? 1 2 3, 3 तरह के बच्चे एक सेक्शन के अंदर। आई बात समझ? तो क्या बोलेंगे इस ऐसे ही कोपन ने क्या किया? सब डिवाइड कर दिया क्लाइमेट को, और उसके लिए क्या सिंबल यूज करे? ये देखो FMWS, ठीक है। एफ, एफ फॉर फुल ईयर रेन, पूरे साल वर्षा होती है कॉन्स्टेंटली। एम फॉर
मॉनसूनल क्लाइमेट, जहाँ पे 70 से 80% जो बारिश है, जो वर्षा है, 3 महीनों के अंदर होती है। और तीसरा है डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब जहाँ पे शीत के मौसम में क्या होता है, सूखा पड़ता है, जहाँ पे क्या है, विंटर इज ड्राई, और एज फॉर समर ड्राई मतलब गर्मियों के महीने में सूखा पड़ता है। इतनी बात समझ आनी चाहिए आप लोगों को। चलें भाई आगे आगे बढ़ते हैं। दूसरा उसने किया टेम्परेचर को लेके, टेम्परेचर कितना जाता है। तो भाई टॉप 10 में भी कुछ लोग होंगे जो कैसे होंगे, टॉप 3, ठीक है, बॉटम 3 और मिडल लोग, ठीक है। तो भाई सब सेक्शन को और सब सेक्शन बना दिया उन्होंने, कैसे, ABCD। लेकिन ये किस में है, ये है स्मॉल केस में, छोटे लेटर्स में ध्यान रखें। वो था बड़े लेटर्स में, पीछे जो हमने देखा था, ये देखें, ये बड़े लेटर्स में था और ये है छोटे लेटर्स में। ए मतलब लॉन्ग समर, क्या भाई, जो आपकी गर्मियों का मौसम है वो लंबा चलेगा और 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर होगा ज़्यादा, ठीक है। लॉन्ग वार्म समर जहाँ होगी, बी मतलब जहाँ पे तापमान 20 डिग्री से कम होगा, सी मतलब शॉर्ट कूल समर देख लें एक बार, और डी मतलब लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर, ठीक है भाई। इसने किया हुआ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा इम्पेरिकल हमारा भी चल रहा है, सिर्फ सिंबल ही सिंबल दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो, आगे सारे आपको ग्राफिक्स मिलेंगे, बस थोड़ी देर ध्यान दो, धैर्य रखो। और आखिरी में सिर्फ बी के लिए, सेक्शन बी, कुछ स्पेशल सेक्शन होते हैं स्कूल में, उसको स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं क्या, जैसे सेक्शन बी वालों को क्या होता है भाई, आप चाहो तो एक हफ्ते के अंदर आपके 3 PT पीरियड हो जाते हैं सबको, जहां एक मिलता है, सेक्शन बी वालों को 3 PT पीरियड मिलते हैं। ऐसे ही एक्स्ट्रा सिंबल, एक्स्ट्रा चिन्ह इस्तेमाल करे कोपन ने, किसके लिए, बी वाले लोगों के लिए। जैसे डब्ल्यू मतलब डेजर्ट, डब्ल्यू को कैसे याद रखोगे, वाटर ड्राई, ठीक है, डब्ल्यू फॉर वाटर ड्राई, डब्ल्यू फॉर डेजर्ट, और एस फॉर स्टेपी, ये होते हैं घास के मैदान, बताऊंगा आगे, टी फॉर टुंड्रा और एफ फॉर फ्रॉस्टेड। आई बात समझ, बड़ा ही आसान चीज है भाई, बहुत ही बढ़िया, चलें भाई चलें, ठीक है, इतना समझ आया सबको, बताएं। भाई करण चौधरी तो अलग ही शहनशाह हैं, जो कह रहे हैं मैं जिस क्लास में रहता था उसी क्लास के बच्चों को पढ़ाता था। भाई सल्यूट टू यू, हैट्स ऑफ गाइस, हैट्स ऑफ, ऐसे लोग चाहिए हमारे देश में इस समय कोरोना वायरस में, कि भाई कोरोना वायरस के अगर साथ बीच में रह रहे हैं तो उन लोगों का ध्यान रखना है आप लोगों को, और सारे प्रिकॉशन लेने हैं आपको ही सिखाना है करण चौधरी सबको, ये चीज़ कि प्रिकॉशन लेने हैं, सब फॉलो करना है। लग रहा है यार ऐसा, मेरे को जिगर शाह लग रहा है मुझे ऐसा आज। चले तो भाई इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को क्या, ठीक है, मजाक अलग हुआ, अपनी अलग जगह हुआ, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो सिंबल्स हैं ये, ठीक है गाइस, जो ये सिंबल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, रख सकते हो तो आइडिया होना चाहिए कि भाई ABCD का मतलब क्या होता है, ठीक है गाइस। चले आगे, अब देखते हैं, देखो ऐसे किया इसने, ए फॉर मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल, ठीक है। अब ट्रॉपिकल के अंदर भी बहुत सारे सेक्शन होंगे, है ना, बहुत सारे अलग अलग सेक्शन जो मैंने आपको बताए थे। एफ फॉर फुल ईयर रेन मतलब फुल समय बारिश होती है, वहां वर्षा होती है, तो जब पूरे समय बारिश होगी तो वहां कैसे कैसे, वहां पे वेजिटेशन कैसी होगी बताएं, वहां के पेड़ पौधे कैसे होंगे, वहां के पेड़ पौधे होंगे रेन फॉरेस्ट होगा, वहां क्या होगा, रेन फॉरेस्ट होंगे भाई, पूरे टाइम बारिश होती है, तो भाई जहां पूरे टाइम वर्षा होगी वहां क्या होगा, रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और जहां एम होगा मॉनसून, क्या, एम फॉर मॉनसून, जैसे भारत में है, इंडिया में, तो इंडिया के बहुत सारी जगह AM के अंदर आती हैं। और फिर डब्ल्यू फॉर गाइस सवाना ड्राई विंटर, ठीक है, और एस एस फॉर सवाना ड्राई समर, ये आगे दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है गाइस। बी फॉर एरिड मैंने बताया था, तो बी के मैंने आपको बताया था कुछ स्पेशल हैं, कुछ स्पेशल जोन्स हैं, जैसे डब्ल्यू फॉर वाटर ड्राई मतलब डेजर्ट, एस फॉर स्टेपी, ये आप देख सकते हैं। और डेजर्ट दो तरह के होते हैं आपको पता है, रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, एक होता है कोल्ड और एक होता है हॉट,
हॉट, वॉर्म, वॉर्म, ठीक है भाई। कोल्ड डेजर्ट बताएं, एग्जांपल दें, कमेंट बॉक्स में लिखें कौन कौन से हैं विश्व में। वॉर्म तो सबको पता है, सहारा है, ठीक है, और थार डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट हैं। कोल्ड डेजर्ट हैं गिने चुने दुनिया में, बताएं। मंगोलिया का डेजर्ट जैसे है, मंगोलिया का, और अफगानिस्तान में एक डेजर्ट है जहाँ का नाम है रेगिस्तान, वो भी है, ठीक है, और तुर्किस्तान डेजर्ट, ये सब क्या हैं, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। फिर सी है टेम्परेट, देखें उनका क्या नंबरिंग है, WSF, ठीक है, W फॉर ड्राई विंटर, F फॉर नो ड्राई सीजन, S फॉर ड्राई समर। आई आगे बात समझ गाइज, ये देखें यार, हम एक एक करके इनकी बात करेंगे, तो डरो मत, बस देख लो अभी कैसी क्लासिफिकेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है भाई, आप लोगों के लिए है भाई। स्वीटी सिंह बोल रही, स्वीटी सिंह नहीं, कोरोना की वजह से यूपीएससी वाले एग्जाम पोस्टपोन होगी क्या? गाइस देखो, हमें नहीं पता, यूपीएससी का प्रीलिम्स मैं जब से देख रहा हूँ आज तक कभी नहीं हुआ डिले। तो दिमाग में जिसके भी ना, जिस बंदे के भी दिमाग में ये फितूर है कि यूपीएससी का प्री डिले हो रहा है, तो भाई थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, पढ़ाई बुढ़ाई छोड़ के बैठ जाते हैं, तो भाई वो ये जो ख्वाहिश है ना उनकी, भूल जाए, नहीं होगी पूरी, पेपर टाइम पे होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चाइना में शुरू हुआ था ये कब से, जनवरी फरवरी में, कुछ दिसंबर से शुरू हो गया था, पर जनवरी फरवरी में उसने तबाही मचाई थी, और अब मार्च आ गया है, मार्च में केसेस कम हो गए हैं चाइना के अंदर। अगर भारत में अभी स्टार्ट हुआ है, और भारत में हुआ है स्टार्ट मार्च में, तो भाई अप्रैल और मई तक सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। और भारत में मई में क्या चलती है, लू चलती है, जिस समय सारे मच्छर वगैरह मर जाते हैं नॉर्थ इंडिया में खासकर, तो काफ़ी जो सिचुएशन है वो संभल जाएगी मई तक, मई तक। तो भाई जिसके दिमाग में ये गलत फहमी है कि यूपीएससी का पेपर जो है गाइस वो डिले होगा, वो नहीं होगा, आई एम सॉरी अबाउट इट। अगले अगर आप ये लोग सोच के खुश हो रहे हैं कि वह एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टाइम पे पढ़ें, जो आपने स्केड्यूल क्रिएट किया है वो फॉलो करें, और जो हमारा एज प्रोग्राम है उसको फॉलो करो भाई, आपके सारा सिलेबस कवर करवा रहे हैं साथ साथ हम, टेंशन मत लो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इससे कोई डाउट है तो फटाफट बोलो, पूछो। गोबी डेजर्ट, वेरी गुड, चलें भाई। अब ए टाइप क्लाइमेट की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताए थे पीछे, देखें ए तीन तरह के, एफ फॉर क्या है, फुल ईयर रेन, ठीक है, एम फॉर क्या है, मॉनसून, और डब्ल्यू फॉर क्या है, विंटर ड्राई। आ गई बात समझ? तो भाई हिंदी वालों के लिए बहुत बढ़िया स्लाइड है, एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, ले लिया, चलें आगे चलते हैं। तो देखो भाई, ए एफ क्लाइमेट्स क्या होते हैं, नो ड्राई सीजन, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, वहीं ए एम कौन से होते हैं, मॉनसून, शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर 70 से 80% वर्षा हो जाती है आपकी, जैसे भारत के बहुत सारे क्षेत्र हैं वहाँ पे। मॉनसून का सीजन क्या आता है भारत में, बताएं भाई, मिड जून से लेके कब तक रहता है, सितंबर तक रहता है। आ गई बात समझ? 1 जून को हिट कर जाता है केरला कोस्ट, ठीक है गाइस, तो ये बात याद रखो। ए डब्ल्यू फॉर विंटर ड्राई सीजन, विंटर में ड्राई रहता है, खासकर मध्य प्रदेश के कुछ एरिया हैं जो इसके अंदर आते हैं ए डब्ल्यू के, बताऊंगा आगे आपको। ये देखें बी टाइप क्लाइमेट, देखें क्या होते हैं गाइस, बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू के, डब्ल्यू जहाँ आ गया इसका मतलब क्या है, वो जगह वाटर ड्राई, मतलब डेजर्ट है, क्या है, डेजर्ट। एच जहाँ आ गया इसका मतलब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, और जहाँ के आ गया वहाँ क्या है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट के, सहारा डेजर्ट, कौन सा डेजर्ट, सहारा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, और कौन सा है भाई, थार डेजर्ट, और कौन सा है भाई, अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ठीक है गाइस। मिड लेटिट्यूड ड्राई सब ट्रॉपिकल डेजर्ट के नाम बताओ भैया, एक है गोबी डेजर्ट, जाए चेक करें कहाँ पे हैं, ठीक है, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान डेजर्ट, तुर्किस्तान बोलते हैं, ठीक है, ऐसे डेजर्ट्स हैं, और एक और है पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है, कहाँ पे है ये बताएं, पैटागोनिया जाएं और सर्च करें कहाँ है, चाइल के आसपास है, चिले के आसपास, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बी एस के, एस एस मतलब क्या था, मैंने आपको बोला था क्या था भाई, बताओ, स्टेपी, स्टेपी क्लाइमेट, स्टेपी मतलब
घास के मैदान होते हैं भाई, घास 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 घास, पेड़ नहीं होते इस क्लाइमेट में, ठीक है। तो स्टेपी दो तरह के होते हैं, BSH ट्रॉपिकल स्टेपी, भारत में ये बहुत ज़्यादा हैं, ये वाला क्षेत्र बहुत, जयपुर इसी के अंडर आता है। कौन सा? जयपुर। जयपुर BSH के अंडर आता है। और BSK होते हैं कोल्ड स्टेपी, जैसे कैनेडियन प्रेरीज। ये बात ध्यान रखो भाई, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। ये हाई लेटिट्यूड पे होते हैं, मतलब कनाडा जो हाई लेटिट्यूड पे है, हाई लेटिट्यूडनल होते हैं। और ये भारत में जैसे कहाँ पे है, जयपुर में, राजस्थान, अहमदाबाद। अहमदाबाद भी क्या है? BSH। आ गई बात समझ? चलो भाई, बी टाइप हिंदी वालों के लिए बहुत ही बढ़िया स्लाइड है, खचैक से ले लें, कोई फर्क ही नहीं है, बिल्कुल ही सेम है, ठीक है भाई। लेकिन ये जो सिंबल हैं, ये हिंदी में नहीं लिख सकते, ये इंग्लिश में ही लिखेंगे पेपर में भी जो सिंबल है, क्योंकि ये किसने बनाए थे? वलमदीर कोप्पन ने, लामदीर कोप्पन। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। बी की बात हो गई, अब कर लेते हैं सी की बात। सेक्शन सी में आ गए भाई, हमारी क्लास सेक्शन सी, मेरे सेक्शन आ गया भाई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टीचर मारते थे खड़ा कर करके, मुर्गा बना देते थे, ठीक है। उससे बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता था लोगों का। तो भाई क्या हिंदी वालों के लिए बढ़िया स्लाइड है, देख लें। गर्मी, CFB, CFA, CWA, ठीक है, ये देखें। तो CFA क्या होता है भाई? नो ड्राई सीजन, वार्म समर चलती है। CFB में क्या होता है? नो ड्राई सीजन, वार्म एंड कूल समर। CA में क्या होता है? मेडिटेरेनियन होता है, मैंने पढ़ा दिया है, ये आगे भी पढ़ाऊंगा आपको, ड्राई समर चलती है। और CWA कहाँ का है तापमान? ये है दिल्ली का तापमान। कैसा होता है दिल्ली का तापमान, बताएं, सोचें, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है। चलो भाई डी टाइप्स देख लेते हैं। देखें एफ फॉर क्या होगा भाई? फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट जमी हुई है, ठीक है। और DW से क्या होगा? पूरा सूखा पड़ा है, शीतकालीन सूखी, ठीक है। देखो विंटर ड्राई, सीवियर विंटर, DF कैसे हैं? चार तरह के हैं, ये देख लें आप, याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। DFA, DFB, DFC, DFD, ठीक है, देख सकते हैं। नो ड्राई सीजन होता है एफ में, फुल ईयर रेन, एफ फॉर फुल ईयर, फुल ड्रेन, और W फॉर विंटर ड्राई। ये मैं बता चुका हूँ, बस अभी एक बार आपको दिखा रहा हूँ। चलें आगे, अब ई टाइप्स में देखें, हमारा आखिरी टाइप ई, ई एफ मतलब फ्रॉस्ट, एफ फॉर फ्रॉस्ट। शायद गलती से मैंने यहाँ फ्रॉस्ट बोल दिया था, सॉरी गाइस। एफ स्मॉल एफ फॉर फुल ईयर रेन, ठीक है। अब एफ, ई एफ मतलब फ्रॉस्ट, ये कौन सी जगह है? जैसे ग्रीनलैंड हो गई, एंटार्क्टिका का जो तटीय क्षेत्र है वो हो गया। क्या है वो? क्या है गाइस? वो है ई एफ क्लाइमेट, पूरा फ्रॉस्टेड रहता है। और फिर है ई टी क्लाइमेट, टूंड्रा, नो ट्रू समर, ठीक है। कहाँ पे है टूंड्रा? कैनेडा में भी है, अलास्का में भी है। और कहाँ पे है बताएं? और कहाँ पे है? रशिया में भी है। और कहाँ पे है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तीन जो हैं, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, नॉर्वे वहाँ पे भी है टुंड्रा, ये बात याद रखें। आइसलैंड में भी है टुंड्रा, ठीक है। चलें आगे, तो भाई कोपन क्लाइमेट टाइप्स ऑफ वर्ल्ड देख लें कैसे। ये कौन सा है? आपका हॉट डेजर्ट है, इसको क्या बोलेंगे? BWH। W फॉर वाटर ड्राई, मतलब क्या है वाटर ड्राई, बताएं। और ये क्या है देखो? कोल्ड डेजर्ट, ये तुर्किस्तान डेजर्ट है। कौन सा है ये? तुर्किस्तान डेजर्ट। ये है गोबी डेजर्ट, ये है गोबी डेजर्ट, मिड लेटिट्यूड, सो क्या बोलेंगे बताएं? BWK। अरे भाई क्या हो गया? BWK, इसको बोलेंगे हाई लेटिट्यूड, के फॉर हाई लेटिट्यूड, एच फॉर लो लेटिट्यूड, ठीक है। ये डेजर्ट दिख रहे हैं आपको, भारत में भी है, ये रहा, ठीक है गाइस, देख पा रहे हो ऑस्ट्रेलिया वाला डेजर्ट, ये रहा, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हो मोहावे डेजर्ट, इसको बोलते हैं मोहावे डेजर्ट। कौन सा बोलते हैं? मोहावे डेजर्ट, ये भी याद रखो चीज़, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। और ये देखो रेन फॉरेस्ट वाला एक क्षेत्र, ये रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट क्या था बताएं? AF, ए फॉर ट्रॉपिकल, एफ फॉर फुल ईयर रेन, फुल ईयर रेन, देख पा रहे हो आप, ठीक है। AM क्या था? मॉनसूनल। तो देखो भारत में मॉनसूनल क्लाइमेट दिख रहा है आपको, स्काई ब्लू कलर जो है देख सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा कैसा है? AF भी है। क्या है? केरला जो है, केरला जो है क्षेत्र भारत का, वो AF के अंदर आता है, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में, ठीक है भाई। तो सब बता रही रहा, आप देख सकते हो कौन सा कहाँ पे है, बढ़िया तरीके से इसमें मार्किंग है, एक बार देख लो, ध्यान दे लो कौन सी जगह कहाँ पे है। पर देखें ये इक्वेटर है, देखें ये इक्वेटर है, और उसके ऊपर आप जाएंगे तो कौन सा आपको तापमान मिलेगा? इक्वेटर के साथ साथ आपको मिलेगा AF, उसके ऊपर मिलेगा आपको इस साइड AM, और फिर इस साइड मिलेगा आपको AW, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको इस साइड क्या मिलेगा? BWH,
ठीक है, ऐसे चलता है ये, इसका जो डायग्राम है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, जब हम सारे क्लाइमेट कवर कर लेंगे, कैसे कूपन की क्लासिफिकेशन पूरी आपको एक बॉक्स में बना के दिखाऊंगा कैसे है पूरी ऊपर से नीचे, ठीक है, टेंशन ना लें, नेक्स्ट क्लास की बात है ये। नहीं साहिल राज, जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप नहीं लिख सकते, बिकॉज एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है आपको, लेकिन हाँ हिंदी का एक कंपलसरी पेपर होता है, 9 पेपर होते हैं टोटल मेंस में आपको पता है, उसमें से 2 पेपर होते हैं जो सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं और 7 जो होते हैं वो मेरिट के होते हैं, तो जो दो क्वालिफाइंग होते हैं वो एक होता है इंग्लिश का और एक होता है हिंदी का, तो भाई इंग्लिश का भी सबको पास करना होगा और हिंदी का भी सबको पास करना होता है, ठीक है। चलें अब देखते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट, हम आसान आसान क्लासिफिकेशन ले लेते हैं और एक एक करके वर्ल्ड क्लाइमेट देखते हैं, आज देखेंगे 5 और बाकी बचे हुए 6 देखेंगे कल, तो चलें देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा क्लाइमेट है, हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है, वो अपन क्लासिफिकेशन बताएं हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट की क्या थी, A F फुल ईयरली रेन, बताया था मैंने आपको, वैसे ही क्या है ट्रॉपिकल मॉनसूनल, ट्रॉपिकल मॉनसूनल की क्या थी बता चुका हूँ, AM, ठीक है, और ट्रॉपिकल मरीन, फिर देखें सुदान एंड सवाना, फिर स्टेपीज, फिर डेजर्ट्स, फिर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भूमध्य जलवायु जो होती है, फिर चाइना टाइप, कैसा चीनी टाइप, फिर ब्रिटिश टाइप, अंग्रेजी टाइप, फिर लॉरेशियन टाइप, ठीक है, फिर साइबेरियन टाइप और फिर टूंड्रा टाइप, इन सब के बारे में बात कर चुका हूँ आपसे, आगे और बात करूंगा, और हिंदी वालों के लिए बहुत बेहतरीन स्लाइड है ये, एक बार फटाफट से ले लें इसका स्नैपशॉट, फट ले लिया, चलें भाई आगे मूव कर जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, हॉट एंड वेट क्लाइमेट मतलब AF क्लाइमेट्स की, तो भाई वहाँ की जलवायु कैसी रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा ना ज़्यादा जाता ना कम जाता, एक जैसा सामान्य रहता है पूरे साल, लेकिन वहाँ पे क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहती है, 80% से ऊपर, कितने प्रतिशत से ऊपर, 80% से ऊपर, बहुत ज़्यादा उमस होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उमस, उमस याद रखें, ठीक है। प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, वर्षा वर्षा की, यूनिफॉर्म रहती है, क्या रहती है बराबर रहती है, पूरे साल बारिश होती है, बताए क्यों, मैंने आपको पढ़ाया था कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्या टॉरेंशियल रेनफॉल, मतलब इवेपोरेशन होता है और शाम को क्या हो जाता है गाइस, बारिश हो जाती है शाम को, ठीक है, और लेकिन मैक्सिमम बारिश कब होगी, आप खुद सोचें इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इवेपोरेशन कब होगा, सबसे ज्यादा वाष्प कब बनेगा इक्वेटर पे बताएं, साल में 2 बार बनेगा, एक बार मार्च में, फिर एक बार सितंबर में, क्यों, मार्च में क्या होता है, मार्च इक्विनॉक्स, क्या बोलते हैं उसको, मार्च विषुव, और सितंबर में क्या होगा बताएं गाइस, कौन सा विषुव होता है, सितंबर विषुव, मार्च इक्विनॉक्स, तो इस समय जो सूर्य है वो एकदम भूमध्य रेखा के ऊपर होगा, और जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होगा तो सब सोलर पॉइंट कहाँ बनेंगे, सब सोलर पॉइंट बनेंगे इक्वेटर पे, मतलब इक्वेटर पे 90 डिग्री पे सूर्य की किरणें पड़ रही होंगी और यहाँ बहुत गर्मी होगी, इसलिए क्या होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा बारिश ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, ज़्यादा ऊष्मा बनेगी और बारिश वर्षा होगी, ये बात समझ आनी चाहिए सबको, मैक्सिमा अराउंड इक्विनॉक्सिस क्यों होता है रेन में, क्या, फिर वेजिटेशन वनस्पति कैसी है मैं बता चुका हूँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं कुछ, वहाँ के पेड़ों के नाम देख लेते हैं, महोगनी, ये बहुत ही महंगा पेड़ है, इसका फर्नीचर बहुत महंगा बनता है, ईबोनी, ठीक है, ग्रीन हार्ट, डाईवुड, ये पेड़ों के नाम है गाइस देख लें, प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है वहाँ पे, रबड़ उगती है, रबड़ पता है आपको ब्राज़ील पैदा करता है, और क्या होता है पाम की भी खेती होती है, पाम ऑयल की, ठीक है, वो कहाँ होती है आजकल इंडोनेशिया में, शुगर केन, शुगर केन भी उगता है, टी कॉफ़ी आपको पता है ये सब कहाँ हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं AF क्लाइमेट्स में, कहाँ भाई AF क्लाइमेट्स, बड़ा ही आसान है भाई, अब देखें आप शुगर केन जो है पता है आपको ब्राज़ील बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है शुगर का, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, और ब्राज़ील में क्या कैसा तापमान रहता है, उत्तरी उत्तरी तरफ कैसा रहता है बताएं, अगर ये अफ्रीका का मैप है तो इस क्षेत्र में कैसा रहेगा तापमान, यहाँ से निकलती है इक्वेटर तो यहाँ रहेगा कैसा क्लाइमेट, हॉट एंड वेट मतलब AF वाला, चलें भाई आगे मूव करते हैं, तो भाई बढ़िया मैप है AF क्लाइमेट का, देखें ये रहा ब्राज़ील का क्षेत्र, ये देखें अफ्रीका में भी कुछ क्षेत्र है, ये देखें और श्रीलंका में, और इधर भी थोड़ा सा है, और अपना साउथ ईस्ट एशिया इंडोनेशिया में है, इन जगहों की बात मैंने अभी करी आप लोगों से, ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको,
फटाफट बता दो भाई सब कुछ क्लियर है तो सर आगे मूव कर जाएं, बोल दो एक बार सब कमेंट लिख दें प्लीज प्लीज। सब भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे बताता हूँ आपको, स्टेटमेंट आएंगी क्वेश्चंस की, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट उठ के भी नहीं आते, स्टेटमेंट आती हैं, वो स्टेटमेंट आपको देखनी पड़ती हैं सही है या गलत है, ठीक है? आगे मैंने आज 6 क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप मेरे को 5 मिनट बाद अब से बोल देना सर प्लीज़ क्वेश्चन करवा दो अब, तो मैं आपको करवाना शुरू कर दूंगा। इससे पहले हम 2-3 तो क्लाइमेट देख ही लेते हैं भाई। बता रखी है मैंने, बहुत बार बोला है क्लास में, रिपीट किया है, क्लास 11th की एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, क्लास 11th की एनसीईआरटी। कहाँ गया आप मेरा पेन भाई? क्लास 11th की एनसीईआरटी, दोनों पार्ट, एक है फिजिकल ज्योग्राफी और एक है इंडियन ज्योग्राफी, दोनों बढ़िया हैं। खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से पहले ज़रूर पढ़ें, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से ये टक जाएंगे, आई बात समझ? तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है और अब आपके पास टाइम भी नहीं है तो भाई ना पढ़ें, एक किताब और है उसका नाम है जीसी लियोंग, ये भी पढ़ सकते हैं। पर अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखी तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप पढ़ेंगे तो टाइम नहीं है आपके पास ये पढ़ने का। तो सब कुछ आप कवर कहाँ से करें? 11th क्लास की एनसीईआरटी से। अश्वनी तालेकर बोल रहे हैं थोड़ा डीप एक्सप्लेन करो यार, एकदम डीप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एकदम डेप्थ में आपको जाके बता रहा हूँ, शायद इतनी डेप्थ में मैंने कोई क्लास देखी नहीं है यूट्यूब की इसके ऊपर, अनटिल अनलेस उस ऑप्शनल की क्लास होगी, ठीक है? आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मेरी क्लास से जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें अगर मैं आपको लाइन देना चाहूँ सिंपल सिंपल, वो चाहते हैं आप कि मेरी स्लाइड सिर्फ लाइन्स वाली हो, जैसे लाइन लिख उसमें लाइनों में लिखा होता है, नहीं। पर जो डेटा होता है आप लोगों की आसानी के लिए मैं उसको ऑर्गेनाइज करके लाता हूँ, कैसे? चार्ट्स में और टेबल्स में, जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए और आप कभी भी पेपर में कंफ्यूज ना हो। क्योंकि यार आपको पता है क्या आप हमें सॉल्व करना है, बेसिकली हमें सॉल्व करने हैं एमसीक्यू, और एमसीक्यू के जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो भाई जो सही है उसको आप कैसे सोचोगे कि वो सही है? इन टेबल्स के थ्रू। आपका दिमाग क्लियर रहेगा, आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ये बात याद रखो, ठीक है भाई? सपना का आर्दम की आज 1st क्लास है भाई, पीछे जाके जो पुरानी क्लास है वो भी देख लें प्लीज, ठीक है? चलें भाई आगे मूव करते हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं कि सर प्लीज प्लीज पढ़ाओ, आगे मूव करो। चलो भाई सॉरी भाई सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, चलें भाई आगे चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्लाइमेट है, मैंने आपको बताया था AM, ठीक है? ट्रॉपिकल मॉनसूनल और ट्रॉपिकल मरीन। देखो भाई मॉनसून जो क्लाइमेट होता है इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम भारत की क्लाइमेट देखेंगे, भारत का, ठीक है? तो कुछ जगह होती हैं जैसे अपना भारतीय उपद्वीप, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो पूरा वहाँ का वेदर कैसा है, मॉनसूनल। और कुछ जगह होती हैं जहाँ का थोड़ा मॉनसूनल टाइप होता है, जैसे गुनिया कोस्ट, मैंने पढ़ा रखा है आपको, गुयाना कोस्ट जो भी बोलो, अफ्रीका का, ठीक है गाइस? तो इसके बारे में हम बात करेंगे जब भारत के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई यहाँ पे ऋतु की देखो कैसी होती हैं, तो पहले एक सर्दियों का मौसम चलता है जिसमें बारिश कम होती है, फिर ये कहाँ की जगह है भाई हम बात कर रहे हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटका का जो एरिया है वहाँ का ये तापमान है कैसा, वहाँ पे कूल सीजन चलता है जहाँ पे बारिश कम होती है, फिर क्या आता है हॉट सीजन, हॉट ड्राई सीजन, फिर आता है रेनी सीजन। ऑन एन एवरेज 80% जो वर्षा होती है वो 3 महीने के अंदर हो जाती है, ठीक है? यहाँ की वो कैसी होती है भाई, वेजिटेशन बताएं, डेसीडियस, पतझड़ आती है फिर जाती है, और कब पतझड़ आती है बताएं, कब आती है पतझड़ बोलें बताएं भाई, सोचें भारत में कब आती है पतझड़, खासकर आती है मार्च और अप्रैल में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मई और जून के महीने होते हैं वो बहुत सूखे होते हैं, तो इस कारणवश भारत में आती है मार्च और अप्रैल में पतझड़। और जो सर्द एरिया होते हैं सर्दी वाले, वहाँ कब आती है, अक्टूबर में, सितंबर में और अक्टूबर में आती है पतझड़, ठीक है? प्लांटेशन देखो भारत में क्या क्या उगता है आपको पता है, राइस उगता है, रुई उगती है, टी उगती है, कॉफ़ी उगती है, कपास बोलते हैं इसको, ठीक है? अब देखें सेम चीज़ है यहाँ पे, ह्यूमिड होता है क्लाइमेट ट्रॉपिकल मरीन का। प्रेसिपिटेशन पूरे साल होती है, लगभग बराबर वर्षा पूरे साल, लेकिन मैक्सिमा कब होगा, समर में। और बताएं समर में मैक्सिमा क्यों होगा, सबसे ज़्यादा रेनफॉल मैक्सिमा समर में क्यों होगा? देखें अगर ये है पृथ्वी और ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, और ये है आपका कौन सा क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मरीन, कब है ये, तो
यहाँ पे सूर्य कब आएगा बताएं? वो आएगा मई में, मई में आएगा भाई, मई में, ठीक है, सॉरी जून में आएगा, जून सोलस्टिस के टाइम पे, कब? जून सोलस्टिस के टाइम पे। और जब कब आएगा? संक्रांति के, जून संक्रांति के पास आएगा, जब सूर्य यहाँ पे इसके ऊपर, तो भाई क्या होगा, यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगी समर में, और जब समर में इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो भाई बारिश भी ज़्यादा होगी, ये बात समझ लो। वेजिटेशन कैसी होती है? डेसिडियस ट्रॉपिकल होती है, बैम्बू उगता है वहाँ, सैंडलवुड वगैरह, कुछ जगह है कर्नाटका में, ओ सॉरी अफ्रीका में, जिनका तापमान कैसा है? ट्रॉपिकल मरीन। प्लांटेशन भी देख लें, ये है, सेम चीज़ है, कोई इशू ही नहीं है भाई। वक्त हो गया आज का, आज तो भाई बहुत कुछ रह गया हमारा, तो भाई देख लो, मॉनसूनल क्लाइमेट है ये वाला भारत में, ठीक है, ये है ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। चलें भाई चलें, अब फटाफट से ज़रा हम देख लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्या देखेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी, चलो भाई चलो फटाफट। तो भाई अफ्रीका ख़त्म करा चुका हूँ मैं, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने अफ्रीका ख़त्म करा दिया था, याद होगा आपको, सब कुछ पढ़ा दिया था अफ्रीका के बारे में। अब अफ्रीका के फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं फटाफट से। तो ये अफ्रीका है, सबसे पहले देखेंगे वहाँ की पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी हैं। तो पहली पर्वत श्रृंखला जो सबसे ही इंपॉर्टेंट है वो है एटलस माउंटेन्स, ये देखें, ये आया एटलस माउंटेन। फिर मैंने बताया आपको अहगर माउंटेन्स, वो कहाँ है? लीबिया में। फिर तिब्बती माउंटेन कहाँ थे? चाद में, चैड में, मैं ये बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ इतने तीन माउंटेन्स के बारे में। और एक और माउंटेन्स है जिसके बारे में यहाँ लिखा नहीं है, वो है एयर माउंटेन्स, जाएँ और देखें उसके बारे में। फिर इथोपियन हाईलैंड्स, कौन सी हाईलैंड? इथोपियन हाईलैंड। फिर आदमवा हाईलैंड्स, ठीक है। फिर एक प्लेट्यू है, अब हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं? पठार के बारे में, कतंगा प्लेट्यू, क्या बोलते हैं? काटंगा प्लेट्यू। और फिर बाई प्लेट्यू, और फिर जैम्बिया प्लेट्यू, और फिर ग्रेट कारो प्लेट्यू। तो भाई देख लें, तो अगर नॉर्थ से साउथ आप चलें, जो क्वेश्चन आता है कैसे आता है यूपीएससी का, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, तो भाई नॉर्थ में सबसे पहले कौन सा है? एटलस। फिर कौन सा है? अगर माउंटेन्स और तिब्बती माउंटेन लगभग लगभग ऐसे हैं, पर तिब्बती साउथ में थोड़ा। फिर कौन से हैं? इथोपियन हाईलैंड, फिर आदमावा माउंटेन्स, फिर कतंगा प्लेट्यू, फिर जाम्बिया प्लेट्यू, फिर ग्रेट कारो प्लेट्यू। पठार देख लें भाई फटाफट, ठीक है। अब बात करते हैं डेजर्ट कौन कौन से हैं अफ्रीका में, डेजर्ट, डेजर्ट की बात कर रहा हूँ भाई, रेगिस्तान की। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कौन सा डेजर्ट है? सहारा। ये पूरा ही सहारा का क्षेत्र है, पर सहारा के अंदर भी सब डिवीजन है, जैसे सेक्शन बने हुए हैं। ये है लीबियन डेजर्ट, क्योंकि लीबिया में है, आप देख पा रहे हैं, ये है लीबियन। और फिर आपको दिखेगा नूबियन डेजर्ट, ये है सुदान में, कब कहाँ है? सुदान में। और इसके बीच से कौन सी नदी निकलती है लीबियन और नूबियन डेजर्ट के बीच से? नाइल नदी। कौन सी? नाइल नदी, आपको पता है। ये है कालाहारी डेजर्ट, बताएं कहाँ है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बोट्सवाना में। फिर यह है नाबिब डेजर्ट, जो कहाँ पे है बताओ भाई? ये है नामीबिया में। सारे डेजर्ट्स कवर हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलो भाई ये देख लें एक बार कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं साथ में। चलो भाई अब बात करते हैं नदियों की फटाफट। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट नदी है नाइल, विश्व की सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। ये है वाइट नाइल, यहाँ तक इसको बोलते हैं वाइट नाइल, क्या बोलते हैं? पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में भी, वाइट नाइल। और इसको बोलते हैं ब्लू नाइल, क्या बोलते हैं इसको? ब्लू नाइल। ब्लू नाइल, ब्लू नाइल जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है, और कहाँ से निकलती है? लेक टाना, जो कहाँ पे है? इथोपिया, याद रखो। फिर यह है कॉन्गो नदी, देखें कहाँ से निकलती है ये? DRC से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। फिर यह है जाम्बेसी नदी, देख सकते हैं आप, ये ठीक है, जिम्बाब्वे और जैम्बिया से निकलती है। फिर है लिम्पोपो नदी, साउथ अफ्रीका से निकलती है और मोजाम्बिक्यू में जाती है। फिर है ऑरेंज रिवर, देखो ये रही ऑरेंज रिवर, ठीक है। ये है वोल्टा रिवर, देख लो। ये है नाइजर रिवर, और यह है सेनेगल रिवर, ये देखें कहाँ कहाँ से निकलती है। नाइजर रिवर एक बार चेक करो जाके, कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है सोर्स। तो भाई नॉर्थ टू साउथ लगाओ, क्या है? नाइल, कॉन्गो, जाम्बेसी, लिम्पोपो और ऑरेंज, देख लो भाई, ऐसे होगा सवाल, ऐसे आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई आगे देख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, सारी नदियों के बारे में आपको बता रखा है। नाइल सबसे लंबी नदी है, और डिस्प्यूट है उसके साथ अमेजोन के साथ। ब्राज़ील बोलती है कि अमेजोन ज़्यादा लंबी है, ब्राज़ील जो देश है वो क्या बोलता है? अमेजोन जो है, अमेजोन नदी, वो नाइल नदी से बड़ी है। पर हम बोलते हैं चलो ना, अपना काम करो ब्राज़ील, नाइल नदी ही सबसे बड़ी है, आपकी अमेजोन नदी आपके देश में है, तो इसका मतलब ये नहीं वो सबसे बड़ी है, ठीक है। डिस्प्यूट है इसके बारे में, ठीक है। कौन कौन सी डैम है और कौन कौन से शहर हैं, देख सकते हो। खार्तूम बताएं भाई किसकी राजधानी है? खार्तूम राजधानी है किसकी? सूडान की, ये बात मैं बता चुका हूँ।
फिर कॉन्गो नदी जो ऐसी नदी है जो इक्वेटर को मतलब भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है, ऐसे ये भूमध्य रेखा है और ये ऐसे क्रॉस करती है 2 बार, ये बात याद रखो, ठीक है। कहाँ से शुरू होती है ये? कतंगा प्लेट्यू से, कटंगा प्लेट्यू से। कॉन्गो नदी कहाँ से आती है? कटंगा प्लेट्यू, ये देखें यहाँ से आ रही है ये नदी, ये देख सकते हैं आप, ये रही कॉन्गो नदी, ठीक है, ये रही कॉन्गो नदी, ठीक है गाइस। इतना सिंपल है, बहुत ही आसान है। जम्बेजी नदी पे कौन से फॉल्स हैं? विक्टोरिया फॉल्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपके दूसरे एग्जाम्स में भी काम आएंगे गाइस। और ये भी कहाँ से निकलती है? कटंगा प्लेट्यू से। नाइजर नदी कहाँ से निकलती है? लोमा माउंटेन से। और ये ऑरेंज रिवर कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। कहाँ से निकलती है? ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन, भाई ये याद रख लो, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन पे आ गए, फटाफट क्वेश्चन 2 मिनट में करो सॉल्व ये। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कॉज ऑफ वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ इंसोलेशन? किसके बारे में? इंसोलेशन रिसीव्ड ऑन अर्थ। तो भाई सनस्पॉट एक्टिविटी, मैं बता चुका हूँ शायद पहली या दूसरी क्लास में, 11 साल की एक्टिविटी होती है और इससे क्या होता है? वेरिएशन होती है। तो भाई वन है करेक्ट, जब वन है करेक्ट तो जहाँ वन नहीं है उसे हटा दो भाई। फिर मिलानकोविच ऑस्किलेशंस, बता चुका हूँ पृथ्वी की मिलानकोविच ऑस्किलेशन के बारे में, जो ऑर्बिट है वो कैसे छोटी बड़ी हो रही है पृथ्वी की, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं सूर्य के चारों तरफ। फर्स्ट या सेकंड क्लास में जाके देखें, फर्स्ट क्लास में शायद पढ़ाया था मैंने आपको या दूसरी क्लास में। फिर तीसरा वॉल्केनिज्म, क्या भाई वॉल्केनिज्म का क्या तात्पर्य है इंसुलेशन के साथ? कुछ है ही नहीं। तो आंसर होगा 1 एंड 2 ओनली, आंसर इज ए। चले भाई आगे, दूसरा क्वेश्चन फटाफट पढ़ें और करें। एन परवीन, भाई थोड़ा ध्यान दे लो क्लास में, आंसर गलत मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। सिपुन और स्वैन, भाई प्लीज 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 पढ़ें पढ़ें, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। मुझे पता है आपने पढ़ाई कर रखी है पर कभी कभी आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ पाते, तो भाई सॉरी मेरे को पता है, लेकिन ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन। और ये देखें वो ये पूछता है करेक्ट आंसर या इनकरेक्ट, ये भी ध्यान रखें। यार मैं जो ग्रुप पे क्वेश्चन देता हूँ उसमें मैं दोनों डालता हूँ, इनकरेक्ट और करेक्ट। तो करेक्ट जिस 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 क्वेश्चन में डालता हूँ ज़्यादातर बच्चे इसको करेक्ट ही मारते हैं, पर इनकरेक्ट जहाँ डालता हूँ वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? वापस से करेक्ट डाल देते हैं। तो भाई ग्रुप पे भी ये गलती ना करें। जो मेरा ग्रुप है उसका नाम है t.me/rohan_upsc, 5 क्वेश्चन डेली, ठीक है गाइस। चलें क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ विंड? भाई डायरेक्शन ऑफ विंड क्या कौन कौन सी चेंज करती है? पहली PGF, क्या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, बताया था मैंने आपको डायग्राम, याद होगा विंड कैसे जाती है। तो अगर एक लो प्रेशर यहाँ, एक हाई प्रेशर यहाँ, तो डायरेक्शन चेंज हो गई या नहीं हो गई? तो भाई ये है सही। दूसरा है फ्रिक्शन, ये भी ठीक है बता रखा है। 3 फोर्स लगती हैं विंड पे, मैंने बताया था आपको क्लास में, एक है PGF, दूसरी है फ्रिक्शनल फोर्स और तीसरी थी कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स दे नहीं रखी तो उसी जगह क्या रखा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो विंड की डायरेक्शन नहीं बदलती, तो काटें इसको। तो आंसर होगा 1 एंड 2 ए। आ गई बात समझ? चलो भाई भाई बी डी क्यों कर रहे हैं? यस मनिंदर कौर ने सही सोचा, बिल्कुल ठीक आंसर। यस अभिनव शर्मा, बताया था मैंने आपको फास्टर एंड स्लोअर विंड। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेंज करेगी डायरेक्शन भाई विंड की, बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स और घूमने के कारण कोरियोलिस फोर्स क्रिएट होती है, क्या होती है? कोरियोलिस, इसके कारण होती है वो रोटेशन की वजह से पृथ्वी की, घूर्ण के कारण। कोरियोलिस यहाँ लिखा होता तो आंसर होता 1, 2 एंड 3। चलो भाई क्वेश्चन आ गया, करो फटाफट सॉल्व।
ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही पूछा गया था। चले भाई सॉल्व करते हैं। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हाई एज कंपेयर टू कोस्टल रीजन। वो पूछ रहा है किसके बारे में? डी यूरिनल रेंज के बारे में। मतलब एक ही दिन में, मतलब 24 घंटे के अंदर जो तापमान है मैक्सिमम कितना हो और मिनिमम कितना होगा, ये पूछ रहा है वो। ज़्यादा क्यों होता है अंदर? यह है कॉन्टिनेंट अगर आपका एक मान लीजिए अमेरिका, ठीक है, तो यहाँ डी यूरिनल रेंज जो है वो ज़्यादा होगी। मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेम्परेचर में जो डिफरेंस आएगा, मान लीजिए ए और यहाँ पे एक दूसरा सिटी है, वो क्या है, कोस्टल एरिया, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में आएगा क्या, डिफरेंस बी। तो भाई ए बी से ज़्यादा क्यों होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। वाई ए विल बी ग्रेटर देन बी, बताएं भाई। तो पढ़ते हैं कि करके, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, शायद ये हो सकता है भाई, अभी पता नहीं, आगे देखेंगे। वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, ये गलत है भाई। आपको पता है समुद्री स्थल और जो उसके आसपास के सिटीज़ होते हैं जैसे मुंबई, उन पे ज़्यादा फर्क नहीं होता, ऑल्टीट्यूड का सेम होते हैं डिट्टो। तो ये तो गलत हुआ ये वाली स्टेटमेंट। तो टू इज़ रॉन्ग, जहाँ टू है उसको हटा दो भाई, आपका आंसर आ जाएगा वन ओनली। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, भाई ये भी गलत है। क्या दिल्ली में ज़्यादा तेज़ हवा चलती है मुंबई से, सोचो। हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्ट, बताओ दिल्ली में ज़्यादा वर्षा होती है मुंबई में, तो ये भी एकदम गलत है। देख लें, कर दिया हमने सॉल्व क्वेश्चन यूपीएससी का। चले आगे पढ़ो क्वेश्चन। चले भाई पढ़ो क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर वेपर, मतलब वाष्प के बारे में इन द एटमोसफियर। किसके बारे में? वाटर वेपर मतलब वाष्प। इट्स अमाउंट इंक्रीज विद ऑल्टीट्यूड, वो कह रहा भाई जैसे आप हाइट बढ़ाओगे जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाएगी। पर मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, हाइट के साथ साथ क्या होता है, प्रेशर भी कम होता है, ह्यूमिडिटी भी कम होती है और तापमान भी कम होता है। तापमान कभी कभी बढ़ सकता है हाइट के साथ साथ, ऑल्टीट्यूड के साथ साथ, ऊंचाई के साथ साथ। कब? जब टेम्परेचर इन्वर्जन हो। क्या हो? टेम्परेचर इन्वर्जन। पर वो कंडीशन तो है नहीं यहाँ, तो इसलिए पहला है गलत। तो भाई पहला जहाँ जहाँ है काट दो फट। दूसरा पढ़ते हैं। इट्स अमाउंट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो भाई ये बोल रहा है अगर आप इक्वेटर से पोल जाओगे तो जो वाष्प है, वाटर वेपर है, उसका अमाउंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर आप 0 डिग्री लेटिट्यूड से 90 डिग्री लेटिट्यूड जा रहे हो तो वाष्प कम होगी या बढ़ेगी? हाँ भाई कम होगी, क्योंकि इक्वेटर मैंने आपको बताया था आज ही कितनी रहती है वहाँ पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा 80% से ऊपर, याद होना चाहिए वो चीज़। यहाँ अप्लाई करनी चाहिए आपको, ठीक है। और इक्वेटर पे पड़ती है गर्मी, तो कैसा क्षेत्र होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा उमस होती है। तो भाई ये स्टेटमेंट भी गलत, तो दो भी गलत कर दो। एक सेकंड भाई, ऑप्शंस गलत हो गए हैं गाइस, सॉरी। हाँ सॉरी, ये इंक्रीज नहीं है, ये डिक्रीज है, तो टू सही होगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या, ये मैंने लिखा है अगर आप 0 डिग्री से 90 डिग्री जाओगे तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, घटेगी। तो वही ये बोल रहा है। सॉरी गाइस, मेरे से गलती हो गई, मैंने इसको इंक्रीज पढ़ लिया, पर ये है डिक्रीज, ठीक है। तो भाई टू और थ्री, अब थ्री और देखना हमें क्या। वाटर वेपर एब्जॉर्ब्स पार्ट ऑफ इंसुलेशन फ्रॉम द सन, हाँ भाई जो वाटर वेपर है वो एक ऐसा ऐसा तत्व है जो शॉर्ट वेव रेडिएशन भी सोख लेता है और लॉन्ग वेव रेडिएशन भी। ये बात याद रखना गाइस, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या? वाटर वेपर शॉर्ट वेव रेडिएशन भी सोखता है और लॉन्ग वेव रेडिएशन भी। तो आंसर होगा बी, ठीक है गाइस। चलें आगे, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट करें। चलो फटाफट देखते हैं। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस बिकॉज, मतलब अगर आप
हाइट इंक्रीज करो तो तापमान क्यों घटता है? द एटमोसफियर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस। मतलब बताया है आपको टेरिस्ट्रियल रेडिएशन, भाई याद रखो। तो वन इज राइट, तो भाई राइट करेक्ट पूछ रहा है, देखो करेक्ट। तो भाई जहाँ वन नहीं है हटा दो। देयर इज मोर मॉइस्चर इन अपर एटमोसफियर, ये तो गलत है। पिछली पीछे ही हमने बात करी, जैसे आप हाइट इंक्रीज करोगे जो ह्यूमिडिटी है क्या होगी, घट जाएगी। तो भाई जहाँ टू है उसे हटा दें। अब तीसरा है, द एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमोसफियर। हाँ जी, एयर जो है लेस डेंस है अपर एटमोसफियर में, जब डेंसिटी कम है ऊपर उसकी एयर की, तो वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की भी डेंसिटी कम होगी। क्या ग्रीन हाउस गैसेस की भी डेंसिटी कम होगी? और ये होगी स्टेटमेंट ठीक, तो उत्तर होगा सी। चले भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, बच गए सात। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। भाई प्लीज जो जो लोग देख रहे हैं क्लास, कमेंट और लाइक करके जरूर जाओ यार। आज की क्लास इतनी अच्छी थी, कल हम वर्ल्ड क्लाइमेट खत्म कर देंगे और हमारी क्लाइमेटोलॉजी जहां तक है कल खत्म हो जाएगी। ठीक है गाइस, चलो भाई, ओके बाय। प्लीज कमेंट और अपना प्यार दें, तब भी यार मेरे को मोटिवेशन आएगी। प्लीज कमेंट करें नीचे और लाइक करें वीडियो को। चलिए ओके बाय, सी यू।